गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सवालों के जवाब दोबारा से। और बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि आप जो है यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, बिना बिजली पानी लाइट कैसे रहते हैं आप यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूँ, मेरी मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल देखी आपने और हमेशा ही रहेगी, क्योंकि तकलीफ़ें देखिए लाइफ में बहुत आती हैं, लेकिन उसका सामना करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी से नहीं, मैं यहाँ पे 6 साल से रह रही हूँ। हम कैसे रह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कई बार लोगों ने जो है बोला है कि हमें लाइट दे दो, बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट जो है यहाँ के बारे में कुछ नहीं सोचती है। उनको लगता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी, और बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है भी, तो गवर्नमेंट को उस टाइम पे जब ये रजिस्ट्री वगैरह होती है उस टाइम पे बोलना चाहिए कुछ। एक भी घर नहीं बनने देना चाहिए था, क्यों लोगों का पैसा इतना ख़राब हुआ, तीन तीन मंजिल के घर बन गए यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट अभी भी नहीं आई है 2024 में। आप बिलीव कर सकते हैं कि हम बिना लाइट के रह रहे हैं यहाँ पे? नहीं ना, लेकिन रह रहे हैं हम यहाँ पे, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी रह रहे हैं। बहुत बुरा हाल कह सकते हैं, ऐसी गर्मी मान लीजिए अभी 40 डिग्री 45 तक पहुंच रहा है टेम्परेचर, और हम बिना बिजली के रहते हैं। बिजली के आप लोग बोलेंगे सोलर लगा लें, तो जी हाँ सोलर सबने लगाया हुआ है, कोई इतना पागल नहीं है कि यहाँ पे बिना सोलर के रहेगा। हमने भी लगवाया हुआ है, चलता है, लेकिन देखिए लाइट लाइट होती है, जो चीज़ें आप लाइट पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें सोलर पे चाहिए तो आपको उतना सोलर का बैकअप होना चाहिए, जिसके लिए 3 से 4 लाख रुपए एटलीस्ट लगते हैं। और वो इतना लोगों पे होता तो यहाँ पे क्यों लेते घर, ऑब्वियस ही बात है ना। तो ये है हाल अभी का, और देखिए कब तक आती है। बहुत सारे मे बी इस बार गवर्नमेंट को लगे कि जैसा कि रिजल्ट रहा है इस बार, कि थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मे बी आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पे ऐसा होगा। और एज ए ट्यूशन टीचर मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, बच्चों को भी लाइट देनी पड़ती है, तो उनके लिए भी फ़ैन वगैरह ही यूज़ हो पाता है। अगर लाइट होती तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उन्हें कूलर वगैरह चला के देना चाहिए था, ताकि थोड़ा ठंडक रहे। लेकिन फ़िलहाल काम भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चे गर्मी में नहीं आएंगे। तो सरकार यहाँ के लोगों के लिए देखना बंद कर चुकी है। सो जो लोग इस एरिया में आते हैं और यहाँ पर ढूंढते हैं लाइट का कुछ भी, तो मैं बता दूँ अभी लाइट का कोई आसार नहीं है, और अभी है भी नहीं, जिनके पास है वो सोलर ही है। सो ये था अपडेट। प्लस बहुत सारे लोग मेरे लास्ट वीडियोस देखते नहीं हैं और कमेंट करते हैं कि मतलब आप ये बता दीजिए वो बता दीजिए। प्लीज़ आप मेरे पिछले ब्लॉग देखिए, अगर मैं बार बार वही सब बातें करूँगी तो एक दिन आप ही कहोगे कितना पकाती है ये, और ठीक है। तो आप मेरे पिछले ब्लॉग देखिए और वहाँ पर देख के आप पता चल जाएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिलहाल छोटा वाला बेटा मेरा अभी 6 महीने का हो गया है, और ओम जो है 2.5 साल का हो गया है। तो ये स्टोरी मेरी 2019 से चल रही है, और मैं ज़्यादा वीडियो ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, इसलिए नहीं बनाती हूँ, देखिए मेरा ये कह सकते आप पैशन नहीं है। मैंने इस पर वीडियो शेयर करना चालू किया था इस वजह से, ताकि मुझे सॉल्यूशन मिले, और उस टाइम पर मुझे सॉल्यूशन भी मिला था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। जिस समय मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, मेरा काम कुछ और है, मैं घर के काम करती हूँ, घर के काम करने के बाद फ्री होती हूँ, तो मैं टीचिंग करती हूँ और घर में ही करती हूँ, फिर वहाँ से फ्री होती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ। सो ऐसा चलता है मेरी लाइफ में सब कुछ, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मायके मायके से घर। बहुत ज़्यादा मैं घूमती भी नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बेसिकली देखिए हमारे घर में उतना मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एसी चला लूँ और वीडियोस बना लूँ। यस, और दूसरा मैं इतना कैमरा फ्रेंडली इंसान हूँ नहीं, जितने भी वीडियोस मैंने शूट किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक एडवाइस समझ लीजिए, या फिर अपना एक्सपीरियंस समझ लीजिए जो डॉक्टर्स ने मेरे साथ किया उसके बारे में था। बैकग्राउंड को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर अभी पुराना हो चुका है, रेनोवेट अभी हुआ नहीं है, सिर्फ ऊपर का फ्लोर जो आपको दिख रहा होगा ये रेनोवेट होता है, अभी नीचे का नहीं हुआ। नीचे मैं यहाँ पे कोचिंग चलाती हूँ, और बस इस नीचे का एरिया कोचिंग के लिए यूज़ होता है, रहने के लिए आपको जो डोर दिख रहा है वहाँ पे हम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और यूट्यूब पे देखिए बहुत ज़्यादा, हाँ कह सकते हैं कि आप कंटेंट कुछ ऐसा लाइए कि जो चले, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कंटेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता है फिलहाल। लेकिन मैं ट्राई करूंगी फ्यूचर में कि ज़रूर करूं, ज़रूर से ज़रूर करूंगी आप लोगों के लिए, अगर आप वीडियो देखेंगे तो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय, टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आए हैं तो, और कॉमेंट करके बताइएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो में तो। बाय।